मित्रों, हनुमान जी जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे, वे आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं और कैसे दिखते हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो अपनी उपस्थिति इस कलयुग में समय समय पर दर्ज कराते रहते हैं। मित्रों, हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसमें हनुमान जी ने खुद अपनी उपस्थिति से औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह के भी पसीने छुड़ा दिए थे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तथ्य। दोस्तों, ये घटना एक मंदिर से संबंधित है जिसका नाम है क्रमघाट मंदिर। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। क्रमघाट हनुमान मंदिर सागर रोड के रास्ते में क्रमघाट पर स्थित एक बहुत लोकप्रिय मंदिर है। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त पवन पुत्र हनुमान को समर्पित यह मंदिर हैदराबाद में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मित्रों, आज से करीब 1000 साल पहले 12वीं शताब्दी के लगभग काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र द्वितीय अपने राज्य से बहुत दूर घने जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते ही अंधेरा हो गया। जब वह बहुत थक गए तो उन्होंने सोचा इसी जंगल में रात बिताई जाए। रात में राजा वहीं एक पेड़ के नीचे सो गए। अचानक आधी रात को उनकी नींद खुली और उन्हें सुनाई पड़ा कि जैसे कोई भगवान श्री राम के नाम का जप कर रहा है। इस घटना से राजा अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने उठकर आसपास देखा और थोड़ी दूर ढूंढने पर पाया कि वहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। उस मूर्ति में अवर्णनीय आकर्षण था। ध्यान से देखने पर पता चला कि श्री राम नाम का जप उसी मूर्ति की तरफ से आ रहा था। राजा और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि कैसे एक मूर्ति भगवान के नाम का जप कर सकती है। राजा लगातार उसी मूर्ति को देखे जा रहा था। थोड़ी देर में उसे ऐसा दिखा जैसे खुद वहां मूर्ति नहीं बल्कि खुद हनुमान जी बैठे हुए हैं और अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। जब राजा को यह एहसास हुआ कि यह मूर्ति नहीं स्वयं हनुमान जी हैं, तब राजा प्रताप रुद्र ने तुरंत उस मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम किया और राजा बहुत देर तक श्रद्धा पूर्वक उसी मूर्ति के आगे प्रार्थना की मुद्रा में बैठा रहा और फिर वापस सोने चला गया। जब राजा को गहरी नींद आई तो उसने स्वप्न देखा और उस स्वप्न में स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और राजा से कहा कि वो यहाँ पर उनका मंदिर बनाए। स्वप्न देखकर राजा की नींद खुल गई और वहाँ से तुरंत अपने राज्य की ओर वापस चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचकर राजा ने अपने समस्त मंत्रियों, सलाहकारों और विद्वानों को बुलाकर एक विशेष आपातकालीन सभा बुलाई और उसमें अपने सपने के बारे में सबको बताया। राजा द्वारा बताए गए स्वप्न से आश्चर्यचकित सभी लोगों ने एक सुर में कहा, हे राजेंद्र, निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही शुभ स्वप्न है और इससे आपका कीर्ति वर्धन होगा। आपको तुरंत यहाँ पर एक मंदिर बनवाना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और राजा ने एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करा दिया। श्री राम का ध्यान करते हुए हनुमान जी के इस मंदिर को नाम दिया गया ध्यानंजलि स्वामी मंदिर। इस दैवीय घटना के लगभग 500 वर्ष बाद औरंगजेब मुगल सल्तनत का बादशाह बना। औरंगजेब समेत मुगल काल में 60,000 से भी अधिक मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे, जिनमें सबसे अधिक हानि औरंगजेब के समय में हुई थी। मंदिर ध्वस्त अभियान के इसी क्रम में वो हैदराबाद के बाहरी इलाके में बसे एक हनुमान मंदिर में पहुंचा और अपने सेनापति को इस मंदिर को गिराने का आदेश देकर चला गया। औरंगजेब का दुर्भाग्य था कि ये वही ध्यानंजलि स्वामी का मंदिर था। मंदिर के बाहर आलमगीर के सेनापति ने कहा कि मंदिर के भीतर से सभी पुजारी, कर्मचारी और भक्त बाहर निकल जाएं, वरना सबको मौत की नींद सुला दिया जाएगा। मृत्यु के भय से थरथर कांपते मंदिर के अंदर मौजूद सभी पुजारी और अन्य लोग भगवान श्री राम के ध्यान में लीन श्री हनुमान जी को प्रणाम करके इस विपदा को रोकने की प्रार्थना करते हुए बाहर निकल आए। मुगल सेनापति ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि मंदिर तोड़ दो। सैनिक मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। तभी मंदिर के प्रमुख पुजारी सेनापति के पास आए और बोले, हे सेनापति, मुझे आपके हाथों मृत्यु होने का कोई भय नहीं है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, कृपा कुछ क्षण के लिए मेरी बात सुन लीजिए। अपने काम के बीच में आने से गुस्से से भरा सेनापति बोला, जल्दी कहो ब्राह्मण। पुजारी जी बोले, ये श्री राम जी के ध्यान में लीन श्री हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली है। उन्होंने अकेले ही रावण की पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। कृपया उनका ध्यान भंग न करें और मंदिर न तोड़िए, अन्यथा वो शांत नहीं बैठेंगे। मैं आपके ही भले की बात कर रहा हूँ, मेरी बात मानिए और ये काम मत कीजिए। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, आपको माफ कर देंगे। क्रूर सेनापति इससे अधिक नहीं सुन सकता था। उसे तो इस्लाम का झंडा फहराने की जल्दी थी। वो बोला, ऐ ब्राह्मण, अपना मुँह बंद करो और यहाँ से दूर हट जाओ, वरना मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर इस मंदिर को तोड़ूंगा। देखते हैं कैसे तुम्हारे ताकतवर हनुमान हमारे हाथों
हाथों से इस मंदिर को टूटने से बचाते हैं। सेनापति अपनी सेना की तरफ मुड़ा और उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। अगले कुछ क्षणों में क्या होने वाला है इस बात से अनजान मुगल सैनिक मंदिर तोड़ने के हथियार, हथौड़े, सब्बल, कुदाल आदि लेकर एक बहुत बड़ी बेवकूफी करने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। पहले सैनिक ने जैसे ही अपने हाथ में सब्बल लेकर मंदिर की दीवार पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, वो मूर्तिवत खड़ा रह गया, जैसे बर्फ में जम गया हो या पत्थर का हो गया हो। वो न अपने हाथ हिला पा रहा था और न ही औजार। भीषण भय से भरी नजरों से वो मंदिर की दीवार की तरफ देखे जा रहा था। कुछ ऐसी स्थिति एक एक कर उन सभी सैनिकों की होती गई जो मंदिर तोड़ने के लिए औजार लेकर हमला करने बड़े थे। सब के सब मूर्ति की तरह खड़े रह गए। सैकड़ों मंदिर तोड़ चुके सेनापति के लिए ये चमत्कार एक बहुत बड़ा झटका था। उसने तुरंत पलटते हुए सेना को आदेश दिया कि फौरन बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हो। सेनापति खुद औरंगजेब के सामने पहुंचा और बोला, जहांपनाह, आपके हुक्म के मुताबिक हमने उस हनुमान मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम उसे तोड़ने के लिए एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। जहांपनाह, जरूर उस मंदिर में कोई रूहानी ताकत है। मंदिर के पुजारी ने भी कहा था कि हनुमान हिंदुओं के सब देवताओं में सबसे ताकतवर देवता है। जहांपनाह की इजाजत हो तो मेरी सलाह है कि हम उस मंदिर की तरफ नजर भी न डालें। अपने सेनापति की नाकामी और बिन मांगी सलाह से गुस्से में भरा औरंगजेब चीखते हुए बोला, खामोश बेवकूफ, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो हम अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। तुम पर इसलिए रहम कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत सालों से हमारे वफादार हो। सुनो, अब सेना की कमान मेरे हाथ रहेगी, मोर्चा मैं संभालूंगा। कल हम उस हनुमान मंदिर जाएंगे और मैं खुद औजार से उस मंदिर को तोड़ूंगा। देखता हूँ कैसे वो हिंदू देवता हनुमान मेरे फौलादी हाथों से अपने मंदिर को टूटने से बचाता है। अगले दिन सुबह आलमगीर औरंगजेब एक बड़े से लश्कर के साथ उस हनुमान मंदिर को तोड़ने चल पड़ा। हालांकि उसके वो सैनिक पिछले दिन की घटना को याद कर मन में बेहद घबराए हुए थे, पर अपने जालिम बादशाह का हुक्म भी उन्हें मानना था, वरना वो उन्हें मारकर गोलकुंडा के चौक पर लटका देता। मन ही मन हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए वो सिपाही चुपचाप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर पहुंचकर औरंगजेब ने आदेश दिया कि भीतर जो भी लोग हैं तुरंत बाहर आ जाओ, वरना मार दिए जाओगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि मन ही मन कहते हुए मंदिर के अंदर से सभी पुजारी और कर्मचारी बाहर आ गए। औरंगजेब बोला, अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो उसकी जुबान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खामोश एक तरफ खड़े रहो और चुपचाप सब देखते रहो। वहां खड़े सब लोग भय से भरे खड़े थे और औरंगजेब की बेवकूफी को देख रहे थे। औरंगजेब ने एक बड़ा सा सब्बल लिया और बादशाही अकड़ के साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। उस समय जैसे हवा भी रुक गई थी, एक महापाप होने जा रहा था। भयातुर दृष्टि से सब औरंगजेब की इस करतूत को देख रहे थे जो पवन पुत्र को हराने के लिए कदम बढ़ा रहा था। औरंगजेब मंदिर की मुख्य दीवार के पास पहुंचा और जैसे ही उसने दीवार तोड़ने के लिए सब्बल से प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे मंदिर के भीतर से एक भीषण गर्जन सुनाई पड़ा, इतना तेज और भयंकर कि कान के पर्दे फट जाएं, जैसे हजारों बिजलियां आकाश में एक साथ गरज पड़ी हों। यह गर्जन इतना भयंकर था कि हजारों मंदिर तोड़ने वाला और हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा जमा चुका औरंगजेब भी डर के मारे मूर्तिवत और जड़ हो गया और उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। औरंगजेब भौचक्का रह गया था। औरंगजेब जड़ हो चुका था, निशब्द हो चुका था। काल को भी कपा देने वाले उस भीषण गर्जन को सुनकर वो पागल होने वाला था, लेकिन अभी उसे और हैरान होना था। उस भीषण गर्जन के बाद मंदिर से आवाज आई, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो राजन तो कर मन घाट, यानी हे राजन, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो तो पहले दिल मजबूत करो। डर और हैरानी से भरा हुआ औरंगजेब इतना सुनते ही बेहोश हो गया। इसके बाद क्या हुआ उसे पता भी नहीं चला। मंदिर के भीतर से आते इस घनघोर गर्जन और आवाज को वहाँ खड़े पुजारी और भक्तगण समझ गए कि ये उनके इष्ट देव श्री हनुमान जी की आवाज है। उन सभी ने वहीं से बजरंग बली को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उधर बेहोश हुए औरंगजेब को संभालने उसके सैनिक दौड़े और उसे मंदिर से निकालकर वापस किले ले गए। हनुमान जी के शब्दों से ही उस मंदिर का नया नाम पड़ा जो आज तक उसी नाम से जाना जाता है, करमनघाट हनुमान मंदिर। कहा जाता है इस घटना के बाद से ही औरंगजेब का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता चला गया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों, क्या आपने भी इस दिव्य हनुमान मंदिर के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।